साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई मलेशिया से रिलेटेड ए टू जेड यानी 2020 तक का वीडियो आज ही बना दूंगा मैं, ये समझ लीजिए। इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है, इसमें जो मैं बता रहा हूं ना उसमें आप अपने एजेंटों से कॉन्टेक्ट करोगे तो भाई उनका तो आपको अगर सच बोल देंगे तो फिर उनका काम कैसे चलेगा, तो वो तो आपको झूठ इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन सच्चाई यही है जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, पूरा ए टू जेड बताऊँगा। वीज़ा, टिकट या फिर आउट पास, स्पेशल पास या फिर टोटल इलीगल, टोटल इंक्वायरी मैं दे दूँगा। आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा साथियों, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, एंड अगर आप Facebook पेज देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर लें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन यहां पे मिलती रहे। तो भाई आज हम बात करते हैं मलेशिया से रिलेटेड। तो मलेशिया की गवर्नमेंट ने भाई गंदी नीति अपना ली, और मैंने इतने वीडियो लॉकडाउन के दौरान बनाए, मैंने तो कोई वीडियो अच्छा बनाया नहीं है कि आपको खुश हो जाए, आपको दिल खुश हो जाए कि हाँ यार ये तो अच्छी न्यूज़ है अपने लिए। आज जो न्यूज़ देने जा रहा हूँ वो भी बैड न्यूज़ है, वो कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। मलेशियन गवर्नमेंट नीचता पे उतरी है, सीधी बता दूँ मैं आपको। अभी की बात है 3 दिन पहले की, हालांकि ये इंक्वायरी मेरे पास 3 दिन पहले की है लेकिन आज बना रहा हूँ क्योंकि मैं सब कंट्रियों के वीडियो मुझे बनाने पड़ते हैं इसलिए नंबर नहीं आ पाता, इसलिए 3 दिन लेट चल रहा है ये वीडियो। 3 दिन पहले इमिग्रेशन की कोलालंपुर के आसपास में जो वर्कर ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर छापामारी हुई थी। वहाँ अगर आप लोकल में रहते हो तो आपको पता होगा इमिग्रेशन ने 1400 मतलब इलीगल वर्कर्स को पकड़ा था जिनके पास पासपोर्ट नहीं था, इलीगल थे, वीज़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था, जो मतलब इलीगल थे पूरी तरीके से 14 लोग। पहले आपने मेरा वीडियो अगर देखा होगा तो मैंने ये बोला था कि भाई मलेशियन गवर्नमेंट ने हर उस इंसान को कोरोना मेडिकल टेस्ट के लिए अनिवार्य कर दिया, सबको मेडिकल करवाना पड़ेगा, इसका खर्चा गवर्नमेंट फ्री करेगी, मतलब फ्री टेस्ट होगा। लेकिन अभी जो 1400 वर्करों को पकड़ा है ना उसमें पाकिस्तानी भी हैं, इंडियंस भी हैं, 56 इंडियन पकड़े गए हैं। 1400 बंदों को पकड़ के सीधा उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और तुरंत वहां से जेल में डाल दिया गया, और रिपोर्ट में दूसरे दिन न्यूज ये आई कि सबके सिर्फ कोरोना नेगेटिव थे, एक भी बंदा पॉजिटिव नहीं था। जबकि ये 100% गलत न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने सोच लिया कि इन लोगों का हम मेडिकल करवाएंगे, उसके बाद कोरोना पॉजिटिव हो गए तो इनकी जांच करवाएंगे, इनसे तो बढ़िया है कि इनको जेल में डाल दें। तो भाई सबको, उसमें औरतें भी थी, लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, मैच्योर भी थे, सबको जेल में डाल दिया और 1400 में से एक भी बंदे को कोरोना पॉजिटिव घोषित नहीं किया। तो ये न्यूज़ निकल के आती है कि भाई 1400 में से एक भी बंदा पॉजिटिव नहीं हुई, ये तो हो नहीं सकता, आज तक की रिकॉर्ड में नहीं हुआ वर्ल्ड में। कहीं पर भी अगर 1000 लोगों की स्क्रीनिंग हुई है, मेडिकल जाँच चुहिए, तो 2, 4, 5, 10 जरूर पॉजिटिव पाए गए हैं। जबकि गवर्नमेंट का ये साथी है कि ठीक है जेल में डाल देंगे, अगर बच गए तो इनकी जिंदगी है, मर गए तो वहीं के वहीं खत्म हो जाएंगे। सच्चाई मैं बता रहा हूं ये है। तो भाई मेन चीज ये है कि गवर्नमेंट एकदम भयंकर तरीके से छापामारी कर रही है, खास तौर से जो लेबर वर्कर ज्यादा रहते हैं जिस एरिया में काम, चाहे कोलालंपुर में हो चाहे कहीं पर भी हो, वह जगह आप छोड़ दें और उसकी जगह दूसरी जगह तलाश कर लें ताकि आपको यहाँ की गवर्नमेंट या इमिग्रेशन छापेमारी में न पकड़े जाए। वरना भाई जेल मलेशिया की इतनी घटिया है कि हमारे यहाँ जानवर भी उन जेलों में नहीं रहते, इतनी मलेशिया की जेल घटिया स्तर की है। आपको, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो भाई देख लेना, पता लग जाएगा आपको। अब आउट पास की बात सुन लीजिए भाई, आउट पास गवर्नमेंट 2020 में ओपन नहीं करेगी। आज भी मेरे पास लोगों के कमेंट आ रहे थे, क्योंकि इसके पीछे रीज़न बता दूं मैं क्यों नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको बहुत लंबा टाइम दिया था दिसंबर तक का। अब उनको ये नहीं पता कि दिसंबर के बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी लोग आ गए अपने इंडिया, वो अपनी कंट्री में, उनको शायद पता नहीं होगा। उनको तो ये लग रहा है कि हमने बहुत टाइम दे दिया, ये गए क्यों नहीं। अब अगर ये नहीं जाएंगे तो इनको पूरी हम सजा देंगे, पूरी बढ़िया तरीके से निचोड़ के फिर अपनी अपनी कंट्री इनको भेजेंगे, समझ गए बात को। तो भाई आउट पास ओपन होने के चांसेस नहीं बता रहे हैं गवर्नमेंट। स्पेशल पास का ऑप्शन है, स्पेशल पास अगर आपके पास है तो स्पेशल पास बना के आप इंडिया आ जाओ या अपनी कंट्री या चले जाओ। ये न्यूज़ तो मैं बता रहा हूँ 3 दिन पहले की। आज की न्यूज़ सुन लीजिए, 16 मई की न्यूज़ मैं बता दूँ। गवर्नमेंट ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जितने भी कंट्रियों के बंदे इलीगल यहाँ पे हैं हम उनको पकड़ेंगे, प्लेन में बिठाएंगे और उनकी कंट्री छोड़ के आएंगे। अब देखिए जी, ये मलेशिया तो हर बार उल्टा ही काम करता है। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो उनको पकड़ के कैसे प्लेन में बिठा के अपने खर्चे पे उनको अपने अपनी कंट्री भेजेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा अभी पाकिस्तानी इलीगल वर्कर हैं, इंडियन भी है, बंगाली है, नेपाली है, बहुत सारे इलीगल वर्कर हैं। कहने का मतलब ये है 2020 में मलेशिया कुछ नहीं करने वाला, जो जितनी वीज़ा, वो मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था आपको पता हो तो, जो कॉलिंग थी सब की सब कैंसिल कर दी है मलेशियन गवर्नमेंट ने, जितनी भी कॉलिंग आज तक की 16 मई तक की थी टोटल कैंसिल कर दी है। 2020 में गवर्नमेंट कोई वीज़ा किसी भी कंट्री को नहीं देगी, ये नहीं कि इंडिया, पाकिस्तान, पाकिस्तान उनका खास है लेकिन उनकी भी सबकी कैंसिल कर दी गई है भाई,
किसी को भी अब मलेशिया का दिमाग से निकाल दो, जितने बंदे हैं आके कैसे भी करके भाई इंडिया आ जाओ, इंडियन एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करके, बाकी मलेशिया में हालत ख़राब है। ये मान लीजिए गवर्नमेंट ने कसम खा ली है कि हम कचरा, ये कचरा एक तरह से इलीगल वर्कर को कचरा ही बोलते हैं, इन पूरे कचरे को साफ करेंगे, मलेशिया को क्लीन करेंगे और उनके बाद वहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार सिखा के उनको काम दिया जाएगा। अभी 16 मई से लेके 24 मई तक की मैंने बताया, पहले वीडियो भी बनाया था, 7 फ्लाइटें हैं मलेशिया के लिए, इसमें एक फ़्लाइट शायद पंजाब के लिए भी हैं। तो भाई जैसे भी है नंबर आता है तो आप इंडिया पहुँचो। और मलेशिया का अभी 2020 में कुछ नहीं होने वाला, इंडियन लोग भी यहाँ पर भी हैं बहुत सारे, वो भी सुन लीजिए भाई, आपकी कॉलिंग आई है, एजेंटों को पैसे दे रखे हैं, भूल जाओ उसको, कुछ भी नहीं होने वाला, मलेशियन गवर्नमेंट ने साफ एहसास करवा दिया है। तो थोड़ा सा इस बात पे गौर कर लें और ये वीडियो उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए जो मलेशिया से रिलेटेड हैं, जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, टिकट वीज़ा, मेरे पास भी अभी भी लोग आ रहे हैं सर मलेशिया जाना है, तो प्लीज़ उनको भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ये आज की तक की 16 मई तक की इंक्वायरी मैंने आपको दे दी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब करके, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कर लें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।